नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है दर शो में। आज द्वारका और मेट्रो इनके पास 90 गज का बहुत शानदार फ्लैट लेके आया हूँ। मतलब फ्लैट के साथ थिएटर मिलने वाला, पीवीआर थिएटर। मतलब मैं यही कहना चाहूंगा आपकी, मैं कह सकता हूँ कि पूरे एंटरटेनमेंट का ध्यान रखकर के फ्लैट बनाया गया, जहाँ पे आपको ओपन रूफ टेरेस मिलने वाली है, मूवी थिएटर मिलने वाला है, क्लबिंग एरिया मिलने वाला है, जिमिंग एरिया मिलने वाला है। तो काफी शानदार काम करते फ्लैट होने वाला है। वीडियो के टूर पे लेके जाने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जो हम इतनी मेहनत से इतने बढ़िया बढ़िया फ्लैट आप लोगों के लिए लेके आते हैं, जो आपके सपनों का घर होते हैं, आप उस तक पहुंच सको, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, पूरे फ्लैट के टूर पे लेके चलता हूँ और पूरा फ्लैट दिखाता हूँ आपको। याद तेरी ने आ जाना, तू कड लिया जाना नी, तेरे बिना असा मर जाना। वो दिल तोड़े ने किन्ने, साडा भी तोड़ के जा, चल ऐसे बहाने नी कर लैना पूरा जा। है दर्द विछोड़े ने मैनू अंदरों ही खा जाना। पै गईया शामां नी हुण याद तेरी ने आ जाना, तू कड लिया जाना नी, तेरे बिना असा मर जाना। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस फ्लैट के अंदर। आप देख सकते हैं एंट्रेंस में आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है और एल टाइप का ड्राइंग रूम है ये। यहाँ पे सोफा दिखाना चाहूंगा कि एल टाइप में लगा हुआ है, जो 7 सिटिंग, मतलब यहाँ पे सिटिंग मिल जाती है और 2 पफी साथ में पड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 सीटर सिटिंग आपको बड़े आराम से मिल जाती है। वॉल दिखाना चाहूंगा कि एल टाइप की वॉल है और वॉलपेपर भी एल टाइप से लगा हुआ, जो काफी शानदार लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है, बीच में शोकेस कितने अच्छे लग रहे हैं, काफी अच्छी लुक दे रहे हैं ड्राइंग रूम को। और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा स्प्लिट एसी की फिटिंग। तो आप देखिए स्प्लिट एसी की फिटिंग भी आपको मिलती है, तो कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट के पॉजिट में टीवी पैनल दिखाना चाहूंगा कि देखिए ग्रास का लुक कितना अच्छा दिया गया है, मतलब काफी अच्छा सर्कल शेप में टीवी पैनल मिल जाता है। स्विचेस आपके लगे हुए मिल रहे हैं, यहाँ पे नीचे ड्रॉर्स भी मिल जाते हैं आपको। इसकी फॉल सीलिंग दिखाना चाहूंगा, ऊपर आप देख सकते हैं लाइट फैन झूमर लगे हुए कितने शानदार लग रहे, कितनी अच्छी फॉल सीलिंग लगी है। फॉल सीलिंग में कॉप लाइट्स भी काफी शानदार लग रही है। और फिर मैं एक चीज खास बात इस फ्लैट की दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं डोर क्लोजर जो है वो मिल रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन मिलती है कि कोई भी नीचे आएगा आप उसको यहीं से देख करके, यहीं से बात करके बटन दबा के गेट खोल सकते हैं। आपको नीचे जाने की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है। मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी की पूरी यहाँ पे चीजों को ध्यान में रखकर ही फ्लैट बनाया गया है। अब हम इसके फर्स्ट बेडरूम में एंट्री कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एंट्री करते ही 6x6 का बेड आने के बाद कितनी जगह बच रही है, तो काफी स्पेशियस ये बेडरूम हो जाता है। मतलब आप देख सकते हैं तीनों साइड स्पेस बच रहा है। और ये वॉलपेपर दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं पूरी वॉल, मतलब 2 साइड की ये जो वॉल है एल टाइप वाली वॉल, पूरी वॉल को कवर किया गया। और ये देख सकते हैं लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है शोकेस टाइप में। और ऊपर दिखाना चाहूंगा फॉल सीलिंग, देखिए कितनी हैवी फॉल सीलिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, लाइट फैन लगे हुए हैं। एक खास बात बताना चाहूंगा आपको मैं फ्लैट की, यहाँ पे पर्दे कर्टन्स की रोड भी आपको लगी भी मिलती है। मतलब आपको इवन कर्टन्स की रोड भी यहाँ पे खुद नहीं लगवानी है। उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा के लिए आपको पूजा का ऑप्शन दिया गया, मंदिर बना के दिया जा रहा है। और ये स्टडी टेबल का ऑप्शन है बच्चों के लिए यहाँ पे बनाया गया। और यहाँ पे भी आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग मिल जाती है। तो मैं वही बताना चाहूंगा कि तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। मैं आपको ये स्पेस भी दिखाना चाहूंगा, देखिए इसको कितना अच्छा डेकोरेट किया गया इस वॉल को। यहाँ पे ग्रास का टच दिया गया, बीच में एक कॉब लाइट्स है, यहाँ मिरर लगाया गया, ये देख सकते हैं इसको शोकेस टाइप में भी डेकोरेट किया गया, जो कितना शानदार लग रहा है। बाकी मैं ये बताना चाहूंगा इस जगह को आप डाइनिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको किचन का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं पूरी मॉड्यूलर किचन मिल रही है, ऊपर नीचे बॉक्सेस लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको सेंसर वाली चिमनी मिल रही है, सेंसर वाली चिमनी लगा करके दे रहे हैं। ऊपर भी फॉल सीलिंग का ऑप्शन मिलता है, लाइट्स लगी हुई मिलती है। पीछे देखिए टाइल्स कितनी शानदार लगी हुई, और नीचे पत्थर ग्रेनाइट का कितना शानदार, काफी अच्छी लुक दे रहा है और काफी स्पेशियस किचन है। एक बार इसका वॉशिंग एरिया दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब आपको 2 साइड में वॉशिंग एरिया मिलता है। यहाँ पे गीले बर्तन, यहाँ पे सूखे बर्तन आप अपने अकॉर्डिंग धो सकते हैं। और ऊपर देख सकते हैं आप, आपको यहाँ पे आरओ लगा करके दिया जा रहा है, जो इस फ्लैट की खास बात है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे भी अपनी चीजें रख सकते हैं। तो ड्रॉर्स आपको पूरी काफी साइड, तीनों साइड पे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब जो इसका वॉशरूम मैं दिखा रहा हूँ, ये वॉशरूम आपको पूरी होटल वाली लुक देगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्ल्यूसी का एरिया दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे वॉल माउंटेड फिटिंग्स मिलती हैं, ऊपर गीजर लगा हुआ मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डाइवर्टर लगे हुए मिल रहे हैं, ऊपर शावर लगा हुआ मिल रहा है, जो इसकी खास बात है। और ये देख सकते हैं बीच में ये आप देखिए ये कितना शानदार स्लाइडर डोर है यहाँ पे, मतलब आपके वॉशरूम को सेपरेट कर देता है। यहाँ पे आप वॉश बेसिन का ऑप्शन भी मिलता है, यहाँ पे हेयर ड्रायर भी लगा हुआ मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ मिल रहा है। तो काफी शानदार काम के साथ ये फ्लैट आपको मिलता है।
अब हम इसके सेकंड बेडरूम में एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करते ही आप देख सकते हैं 6x6 का बेड, आने के बाद फिर तीनों साइड जगह बच रही है, तो ये काफी स्पेशियस है। और देखिए दोनों साइड वार्डरोब का ऑप्शन मिल जाता है आपको, बीच में टेबल लैंप का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे ड्रॉर्स है, तो काफी स्पेशियस ये फ्लैट होने वाला है। आपकी जो भी जरूरी स्टोरेज है वो इन वार्डरोब में आने वाली है। फॉल सीलिंग का ऑप्शन दिखाना चाहूंगा, देखिए कितनी शानदार फॉल सीलिंग लगी हुई है, कॉब लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है। जस्ट इसके अपोजिट वाली वॉल पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको, देखिए वॉलपेपर पूरा वॉल टू वॉल लगा हुआ है, यहाँ पे भी टीवी पैनल का ऑप्शन आपको मिल रहा है। और दिखाना चाहूंगा इस रूम में भी आप देख सकते हैं पर्दे की रोड लगी हुई है, मतलब कर्टन रोड लगी हुई मिल रही है आपको, कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है, मैं एक बार वो भी दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं यहाँ पे भी वॉल टू वॉल टाइल्स है, सेम डाइवर्टर है, ऊपर शावर लगा हुआ आपको मिलता है, शावर भी दिखाना चाहूंगा। साथ में ये दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए यहाँ पे भी वॉश बेसिन विद मिरर लगा हुआ मिलता है, तो काफी बढ़िया काम के साथ ये भी वॉशरूम आपको मिलता है। इस रूम में विंडो का भी ऑप्शन आपको मिलने वाला, आप चाहे तो ऊपर विंडो एसी नहीं तो नीचे कूलर लगा सकते हैं, और साथ में स्विचेस भी दिए गए हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके थर्ड बेडरूम में एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करते फिर आप देखिए 6x6 का बेड, आने का काफी जगह बच रही है, मतलब तीनों बेडरूम काफी स्पेशियस मिलते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्रेसिंग टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, लेडीज ने जितने भी घर की लेडीज ने तैयार होना है वहीं पे हो सकती है। इसके अपोजिट ये वॉल दिखाना चाहूंगा, देखिए वॉलपेपर यहाँ पे लगा हुआ कितना शानदार लग रहा है, बीच में ये लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है। एक बार फॉल सीलिंग दिखाना चाहूंगा कि देखिए कितनी हैवी फॉल सीलिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, और साथ में ये दिखाना चाहूंगा यहाँ पे आप देखिए वार्डरोब, मतलब आपको तीनों जगह वार्डरोब मिल रहा है, स्लाइडर वार्डरोब है, तो काफी शानदार काम के साथ ये फ्लैट आपको मिलता है। यहाँ पे भी कर्टन्स रोड लगी हुई मिल रही है आपको, और साथ में विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, वही ऊपर विंडो एसी नहीं तो नीचे कूलर लगा सकते हैं। इस रूम से ही आप बालकनी में जा सकते हैं, और देखिए कितनी शानदार बालकनी, मतलब कितनी अच्छी बालकनी यहाँ पे दी गई है। देखिए मतलब यहाँ पे तीन टेबल लगी हुई है, यहाँ पे शाम को बैठ करके अपना इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं। इसके एक बार ऊपर छत दिखाना चाहूंगा, देखिए लाइट के साथ कितनी अच्छी लुक दे रही है, और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनलेस की स्टील और बीच में ये मिरर लगे हुए हैं, और सामने 20 फुट चौड़ी गली मिलती है, मतलब फ्रंट साइड का ये फ्लैट होने वाला, काफी बढ़िया काम के साथ ये फ्लैट आपको मिलता है। तो दोस्तों ये 90 गज का फ्लैट द्वारका मोड़ मेट्रो से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे काफी शानदार काम के साथ लिफ्ट कार पार्किंग वाला ऑप्शन मिलने वाला है, जहां पे आपको ओपन टेरेस का ऑप्शन मिलने वाला है, जिमिंग एरिया मिलने वाला है, क्लबिंग एरिया मिलने वाला है, और पहला फ्लैट है जहां पे पीवीआर का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब आप थिएटर भी आ सकते हैं, थिएटर को भी इंजॉय कर सकते हैं। अब आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट के लिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा बहुत कम रेटों में ये फ्लैट है, और नीचे नंबर फ्लैश कर रहे हैं, रेट जानने के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं। अगर ये घर आपको पसंद आ रहा है, आपके सपनों का घर है, तो इससे सस्ता 3BHK, इससे बढ़िया 3BHK आप लोगों को नहीं मिल सकता है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा नीचे नंबर फ्लैश कर रहे हैं, जल्दी मुझे फोन कीजिए, आकर के विजिट कीजिए, पसंद आता तो इस घर को ले सकते हैं और अपने घर के मालिक बन सकते हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस 3BHK की नहीं है, 1, 2 और 4 की है, मतलब मेरा कहना है दर शोम में 1, 2, 3, 4 आपकी कैसी भी कोई रिक्वायरमेंट है आप आकर के देख सकते हैं, ले सकते हैं। हर फ्लैट पे 80-90% लोन अवेलेबल है, तो मैं ही कहूंगा जितना आप रेंट भरे उतने रेंट में आपका अपना घर हो सकता है, अगर आप चाहेंगे तो। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।